हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मशीन की सेटिंग कम समय में कैसे करें। मशीन की सेटिंग करना अलग बात है, बट मशीन की सेटिंग कम समय में करना चैलेंजिंग टास्क हो जाता है हमारे लिए। सेटिंग तो मान लो कि कोई भी सेटिंग टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन आज के समय में देखते हुए हम कितने कम से कम टाइम में किसी भी सेटअप को कंप्लीट करते हैं, उसको कम से कम टाइम में सेटिंग करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है बहुत सारे पॉइंट्स पे काम करती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस तैयार करती है, जिससे हम उस सेटअप को या कोई भी चेंज ओवर हो रहा है उसमें कम से कम टाइम में उसको उस सेटअप को कम्प्लीट कर सकें। बहुत सारी कंपनियां क्या है SMED का यूज़ करती हैं। SMED का मतलब ये होता है कि सिंगल मिनट डाई एक्सचेंज, यानी कि एक मिनट में हम डाई को कैसे चेंज करें, इसके लिए हमें हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोसीजर होने चाहिए, गाइडलाइंस जो होने चाहिए, सारी चीज़ें इसके बारे में हम करते हैं कि अगर हमें कोई डाई चेंज करनी है हो या कोई फिक्सर चेंज करना हो, हमें कोई सेटअप चेंज करना हो, तो उसमें जो लगने वाला समय है उसको कम से कम टाइम में कैसे सेटिंग किया जा सके, इसके लिए कंपनी में बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। उसी में से एक टेक्निक्स होता है SMAD। SMAD के साथ साथ हम अपने फिक्सर को या मशीनों का इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हम उसको कम से कम टाइम में, फ्रिक्वेंटली अगर चेंज करना हो तो कम टाइम में जल्दी से जल्दी उसको सेटअप कर सकें और जो अपना सेटअप टाइम है उसको रिड्यूस करके हम जल्दी से जल्दी अब पार्ट का प्रोडक्शन कर सकें। इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है और इसी पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जब भी आप सेटअप करते हैं या फिर मशीनों पर कोई चेंज ओवर करते हैं, आपको सेटअप के दौरान जो होने वाली जो मिस्टेक्स होती है हमें ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को हमें ध्यान देकर किन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें अपना सेटअप करना चाहिए, इसको आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सेटअप टाइम को आप काफ़ी डिक्रीज कर पाएंगे और कम से कम टाइम में आप सेटअप कर पाएंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन्स को दबा लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में और चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमें कोई भी सेटअप अगर हमें करना है तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो हम पॉइंट टू पॉइंट हमें चीज़ों का इंश्योर करना होता है, जो हमें ध्यान में रखना होता है, वो क्या चीज़ होता है, हम वन बाय वन करके इसको हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी टेक्निक्स इसमें यूज़ किया जाता है उसका यूज़ करके हम अपने सेटअप टाइम को कैसे कम करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फॉर सेटिंग कंसिडर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि आपको जब भी कोई सेटअप लगाना है तो सेटअप लगाने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं आगे की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेटअप प्लान। जब भी कोई हमारा सेटअप प्लान हो या फिर कोई सेटअप लगाना हो तो उसकी प्लानिंग हमें पहले कर लेनी चाहिए। इससे पहले जो प्लान होना चाहिए वो हमें प्लानिंग के थ्रू कवर कर लेना चाहिए, यानी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमारा कौन से टाइप में, किस शिफ्ट में, किस समय, कौन से मशीन पे, कौन सा फिक्सर लगना है, कौन से मटेरियल का यूज़ करना है और कौन करेगा, यानी कि हर चीज़ आपका प्लान होना चाहिए। अगर प्लान के थ्रू आप जाते हैं तो आपका जो सेटअप टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, आप कम समय में सेटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर रिलेटेड रॉ मटेरियल। जब भी कोई सेटअप लगाना हो या सेटअप चेंज ओवर करना हो तो आप सभी पार्ट का सेटअप करना हो उसकी मटेरियल्स को आप इंश्योर कर लीजिए वो हमारे स्टोर में अवेलेबल है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट है डिस्कस विथ CFT रिगार्डिंग सेटअप प्लान, यानी कि जो भी सेटअप से रिलेटेड जो भी पार्ट आप सेटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है उस डिपार्टमेंट से आप डिस्कस करिए और प्लान करिए कि हमारा सेटअप इतने टाइम पे लगेगा, इतने बजे लगेगा,
इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप सेटअप लगाते हो तो जब आपको रिक्वायरमेंट होता है उस समय हर चीज़ अवेलेबल होता है। जैसे अगर CMM है तो CMM वाले से बात करिए, CMM के इंचार्ज से बात करिए कि हमारा सेटअप इस पर प्लान है, इस टाइम पे हम लगा सकते हैं कि नहीं, और CMM अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आपके सेटअप में मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ती है तो मेंटेनेंस से बात करिए। जो भी उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है जो सेटअप सेटिंग में लगता है उससे उस टीम से आप बात करिए और उस टीम के अनुसार आपस में मिल करके एक कोई पार्टिकुलर टाइम को या पार्टिकुलर शिफ्ट को आप लोग डिसाइड करिए, तब जाके आप सेटअप को लगाएंगे तो हर चीज़ जो होगा टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल होगा। तो सेटअप टाइम में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कम से कम टाइम में सेटअप करने में। फोर्थ जो पॉइंट है, सीडर द प्रॉब्लम इनकाउंटर ड्यूरिंग द प्रीवियस सेटिंग। इसका मतलब ये है कि आपको कंसीडर करना है कि जब हमने पहला इसके पहले जो सेटिंग किया था या चेंज ओवर किया था उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिला था या फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आई थी सेटअप चेंज के दौरान। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि यानी अगर वो प्रॉब्लम्स आती है तो आप इंस्टेंट उस पर क्या एक्शन लेने वाले हो, इससे रिलेटेड आप पहले प्लानिंग कर लेंगे। तो अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप उसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंश्योर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग। यानी अगर आप मशीन पर सेटिंग करने जा रहे हैं तो सेटिंग के लिए जो बेसिक टूल्स होते हैं यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं सेटिंग से रिलेटेड वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसको आप इंश्योर कर लीजिए कि वो हमारे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे 4M अवेलेबिलिटी का, 4M अवेलेबिलिटी से मतलब ये है कि मैन पावर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। मेथड का मतलब ये है कि अगर हम फिक्सर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, टूलिंग वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो क्वालिटी की टीम भी अवेलेबल होनी चाहिए। फिक्सर अवेलेबिलिटी, फिक्सर क्या है आपका अवेलेबल होना चाहिए। फिक्सर को आप पहले चेक कर लीजिए, जो फिक्सर डिपार्टमेंट्स है उससे मिलिए कि हमारा जो ये फिक्सर जो लगाना है उसकी प्रॉपर वैलिडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में आप उससे फीडबैक लेंगे तो आपकी जो सेटिंग टाइम होगा सेटिंग को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टूल होल्डर आप जिस मशीन पर सेटिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी BMC मशीन पर सेटिंग करने जा रहे हैं तो उस मशीन पर कौन से टाइप का टूल होल्डर लगता है, कौन से टेपर का टूल होल्डर लगता है, जैसे BT30, BT40, BT50 या HSK टाइप का टूल होल्डर का यूज़ होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके वहाँ कौन से टाइप का टूल होल्डर या कौन से टाइप के होल्डर का यूज़ किया जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों का इंश्योर कर लेंगे और पहले से तैयारी कर लेंगे कि तो आपका जो सेटअप टाइम है उसको रिड्यूस करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है पूल स्टड और कॉलेट का इंश्योर करना। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जिस भी मशीन पे हम वर्क करते हैं उस मशीन पे के पैर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कॉशन दे करके कि आपको पुल स्टड उसी पुल स्टड का यूज़ करना होता है जिस पुल स्टड का उसमें बताया गया है। आप अलग अलग कंपनी के मैन्युफैक्चरर का आप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर पर अलग अलग पुल स्टड का यूज़ होता है। जिस मशीन पर आप सेटिंग को लगाने जा रहे हैं तो आप उसको इंश्योर कर लीजिए कि जिस मशीन पर हम सेटिंग लगाने जा रहे हैं उस पर किस टाइप का पुल स्टड और किस एंगल का पुल स्टड यूज होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिव डायल स्टैंड का। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिव डायल स्टैंड का, यानी कि डायलिंग करने के लिए मैग्नेटिक डायल का जो स्टैंड का यूज़ किया जाता है उसको भी इंश्योर कर लीजिए कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है पप्पी डायल का, डायलिंग करने के लिए पप्पी डायल का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप के पप्पी डायल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन या फिर 10 माइक्रोन का डायल यूज़ किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपको कितने एक्यूरेसी में डायल करनी है। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है फिक्सर को अलाइनमेंट करने के लिए या फिर डायलिंग के लिए वो 10 माइक्रोन का यूज़ किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है तो आप 2 माइक्रोन या 5 माइक्रोन के डायल का यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 माइक्रोन के डायल का यूज़ कर सकते हैं। पप्पी डायल से डायलिंग करने से पहले
आप उसको इंश्योर कर लीजिए कि उसका जो स्टाइलस है या फिर जो जो प्लंजर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो पूरी तरीके से टाइट है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम डायलिंग करने जाते हैं और इंश्योर नहीं करते हैं, और उसका नीडल होता है वो ढीली होती है, तो हमारा जो डायल होता है वो प्रॉपर डायल नहीं हो पाता है, और जब बाद में पता चलता है कि जो हमने डायलिंग किया था वो सही नहीं हुआ है, तो हमारा जो टाइम होता है सेटअप का उससे टाइम बढ़ जाता है। तो डायलिंग करने से पहले एक बार आप इंश्योर कर लें कि जो आपका पप्पी डायल है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जो नीडल है वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं है। नेक्स्ट है सी क्लैंप डायलिंग का। अगर आप सेंटर डायल कर रहे हो या फिर आईडी डायल कर रहे हो या आप ओडी डायल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास डायल होने चाहिए, जैसे कि सी टाइप का आपका क्लैंप होना चाहिए, या सी टाइप के डायल होल्डर का यूज़ आप ओडी डायल के लिए करते हो, तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको इंश्योर करना है। जब भी आप फिक्चर का सेटिंग कर रहे हैं तो फिक्चर खोलने के बाद आप बेड को प्रॉपर ब्रश से उसको क्लीन करिए। ब्रश से क्लीन करने के बाद उस पर आप जो रस्ट क्लीनर होता है, रस्ट क्लीनर से उसको साफ़ करिए। रस्ट क्लीनर से साफ करने के बाद आप क्या करिए, ऑयल स्टोन से उसको प्रॉपर रगड़ के उसका जो रस्ट होता है उसको छुड़ाइए। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से कूलेंट से साफ़ करिए और कपड़े से उसको साफ़ करके उसके बाद आप फिक्चर लगाइए। क्योंकि अगर आप बेस प्लेट को या फिर आप जो भी आप फिक्चर लगा रहे हो उसको प्रॉपर साफ नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो हमारा जो फिक्चर का अलाइनमेंट होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, और उसको अलाइनमेंट करने में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और पार्ट को फ्लैटनेस मेंटेन करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जब कभी भी आप फिक्चर की सेटिंग कर रहे हो तो आपका बेड हो या फिर आपका रोटरी का एल प्लेट हो वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर क्लीन करके ही आप फिक्चर की सेटिंग करिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो सेटिंग होगी वो अच्छे तरीके से और परफेक्ट सेटिंग हो पाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, छठा पॉइंट ये है कि बिफोर सेंडिंग द फर्स्ट पार्ट मेड आफ्टर सेटिंग द चेक CMM द विजुअल एंड मैनुअल डायमेंशन थ्रूली। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई फर्स्ट पार्ट बनाते हैं सेटिंग के बाद, तो सेटिंग का पहला पार्ट अगर आप CMM में पार्ट भेजने से पहले मैनुअली और विजुअली पार्ट को चेक करके इंश्योर कर लेंगे कि मैनुअली जो हमारा मैनुअल डायमेंशन है या फिर जो हमारा हाइट गेज से चेक करने वाला, वर्नियर गेज से चेक करने वाला जो डायमेंशन है वो ओके है, या ये करते हैं कि हम जो मैनुअल डायमेंशन होता है, जो हमारा हाइट गेज से डायमेंशन दिया होता है या फिर जो डायमेंशन हम वर्नियर से चेक करते हैं उसको बिना चेक किए हुए हम CMM पे दे देते हैं। तो CMM क्या होता है, जितना टाइम जब तक हमारा पार्ट CMM होके नहीं आता है, हम CMM के रिपोर्ट का वेट करते हैं, जिससे जो होता है हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है और सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर आज की वीडियो में आपने पूरा देखी है और ये जो भी पॉइंट्स हमने बताया है और इन सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हुए आप किसी सेटिंग को करते हैं, आई होप आप सेटिंग टाइम को काफ़ी रिड्यूस कर पाएंगे और सेटिंग टाइम को कम से कम टाइम में कर पाने में ये सारे पॉइंट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आप कम से कम टाइम में सेटअप को कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।